सावन की अंतिम सोमवारी पर काशी और देवघर जैसा नजारा दरभंगा के कुशेश्वर स्थान स्थित कुशेश्वर धाम में देखने को मिला। रविवार से ही यहां भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां उमड़े हैं। यही कारण है कि रविवार शाम से ही यहां पांव रखने की जगह तक नहीं थी। सोमवारी शुरू होते ही मानो पूरा नजारा ही बदल गया। कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ कतार में लगी थी। हर ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। हम यही बोलना चाहते हैं जो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर जो है ना, सो श्रद्धालुओं को बहुत भीड़ में आना पड़ा है। आज थोड़ा बहुत जो है सो संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन फिर भी पूजा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है ये मनोकामना लिंग है, समझ गए। यहाँ पर जो मांगते हैं वो जरूर पूरा होते हैं। अंकुरी है ये बाबा, इनको जो है सो कहने का मतलब भगवान श्री रामचंद्र जो थे उनका सुपुत्र कुश जो थे, कुश लव और कुश नहीं था, दो पुत्र, तो उनका छोटा लड़का कुश जो था उन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया है। और कहन यहाँ पर जो है सो हर एक सोमवारी से आज थोड़ा ज़्यादा है। तमाम कुश स्थान में आए हुए श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और बिहार के बाबा धाम से मशहूर ये हमारा कुशेश्वरनाथ मंदिर बड़ा ही प्रचंड बहुत महत्ता वाला मंदिर है, और ये इसको मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। और हम लोग बड़ा श्रद्धा और भाव से यहाँ पूजा करते हैं। और दिनों दिन मतलब यातायात के अभाव में भी इतनी भारी संख्या इस मंदिर की महत्ता अपने आप में बखान कर रही है। हम बिहार सरकार और पर्यटन मंत्री से यह आग्रह करते हैं और उनको आश्वासन करना चाहते हैं कि कुशेश्वर स्थान धाम को माननीय नीतीश कुमार से मैं कहना चाहता हूं कि इनको कुछ बिहार के बाबा धाम का दर्जा दिया जाए। सिमरिया घाट से कांवर पथ का निर्माण कुशेश्वर स्थान तक किया जाए ताकि बिहार में भव्य और इससे भव्य बाबा का पूजा अर्चना हो सके। जल चढ़ाने पहने लगता है, इंजाम करे न्याय समिति, कड़ा व्यवस्था रखे। अपार भीड़ है, भीड़ का इतिहास टूट गया। मेरा नाम राम जतन राय कंप्यूटर बाबा है। कुशेश्वर से पूर्व 13 किलोमीटर दूरी मेरा घर पड़ता है, तिरकेश्वर पंचायत अर्थुआ। चार सोमवारी में इतना रस जा गया, इस बार चौथा सोमवारी कहने के लायक नहीं है। राह पैरा लोग